नमस्कार, मैं हूं सदफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। डीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल वल्लभगढ़ के संचालक ओम प्रकाश सोलंकी ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। मैं ओम प्रकाश सोलंकी डीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर मलेना रोड का प्रिंसिपल। सर, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार व्यक्त करें। जी, शिक्षा के स्तर को कई प्रकार से सुधारा जा सकता है। कुछ खामियां चल रही हैं जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। पहले तो बात यह है कि हम ज़्यादा बच्चों पर जो है किताबी वर्णन बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस किताबी वर्णन को कम किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकली शिक्षा ज़्यादा दी जाए और लिखित कार्य कम किया जाए, तो उससे बच्चे का मनोबल भी बढ़ेगा और मानसिकता भी बढ़ेगी। सर, आज नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? नैतिक मूल्यों में गिरावट का कारण लगभग तीनों ही हैं। सर, आज के समय में यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? पाठ्यक्रम में शामिल तो करना चाहिए, परंतु किस हद तक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लगभग 10वीं कक्षा से अपर क्लासों में ये शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा स्वयं अभिभूत ना होगा, अपने आप समझदार नहीं होगा भाई, नहीं तो वो उत्तेजनात्मक बात समझता है और उसमें अभिभूत हो जाता है। और 12वीं 11वीं 12वीं का जो छात्र है वो समझदार हो जाता है, उस चीज़ को धैर्य से समझ सकता है। सर, आज प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा को व्यवसाय बना देने का आरोप लगता है, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? सर, कहीं हद तक ये आरोप सही भी है और गलत भी है। जो उच्च स्तरीय संस्थाएं हैं वो वास्तव में अभिभावकों का शोषण कर रही हैं, बाकी हमारे जैसी जो संस्थाएं हैं वो तो समाज सेवा ही कर रही हैं। सर, शिक्षा के माध्यम से छात्र किस तरीके से उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, इस पर आप विचार व्यक्त करें। सर, एक देश की जो अमूल्य निधि है वो एक छात्र ही है। देश का छात्र समझदार होगा, धैर्यवान होगा, सुशील होगा, तो उस देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो छात्र को मैं समझता हूँ कि एक विद्यालय के संचालक हैं, अध्यापक हैं, उनको इस तरह से शिक्षा दें छात्रों को जिनके अंदर सर्वगुण उत्पन्न हों, और विद्यार्थियों को भी अनुशासन में रह करके अपनी दिनचर्या के साथ कार्य प्रणाली
पढ़ाई करनी चाहिए और जो है अपने माता पिता और गुरुजनों को अपने से बड़ों का सम्मान अच्छे से करना चाहिए। सर दिन में कितने घंटे छात्र को पढ़ना चाहिए? दिन में मेरे ख्याल से विद्यालय से जाने के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए, विद्यालय 2 से 4 घंटा की पढ़ाई काफ़ी है।